हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। आर्ट एंड कल्चर से आप लोग जानते हैं, दो से तीन क्वेश्चन हर बार आते हैं एंड मोस्टली क्वेश्चन आपके फाइन आर्ट से या फिर हम बात करें एनसीईआरटी से ही कवर होते हैं। अगर क्वेश्चन बहुत ज्यादा डेप्थ में आएगा तो कोई उसको नहीं कर पाए। सो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए हम डेली 1 टू 2 चैप्टर अलग से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, यू कैन कवर एंड साथ साथ आप कर सकते हो। अगर आपने आज तक नहीं पढ़ी है, पढ़ी है तो आप रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देख सकते हैं। इसमें हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे एंड ऐसे ही हम एक एक चैप्टर में इसको रखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया गया है इंडिया का मैप, कुछ प्री हिस्ट्री साइट दिखाई गई, प्री हिस्टोरिक साइट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर मैप के क्वेश्चन आजकल नहीं आते, बट जैसे पंचमढ़ी, ये आपका मध्य प्रदेश के आसपास है, भोपाल वगैरह आप लोग जानते हैं, मिर्जापुर एंड अल्माड़ो, अल्मोड़ा सॉरी, उत्तराखंड के कंटेक्स में। इसके अलावा राजगृह, देन बेलारी, ये आपको याद रखना है। एडक्कल केव, तो एडक्कल केव की लोकेशन पूछ सकता है। मुन्नार, तेनमल्ला, ये सारे आप देख सकते हैं। रेस्ट आगे जितनी भी आएंगी, एंड भुवनेश्वर आपको यहाँ पे ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड था, उसमें हमें क्या मिला एविडेंस के रूप में, इस टाइप की रॉक पेंटिंग। हमें नहीं पता वो लोग क्या डिपिक्ट करना चाहते हैं या फिर कौन सी इंफॉर्मेशन, क्या वो एज ए रिलीजियस एंगल इनको देना चाहते थे, या फिर जिन एनिमल्स की उन्होंने पिक्चर बनाई है वो उनको याद रखने के लिए उनकी पिक्चर बना रहे हैं, या फिर कोई सेरेमोनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वी एग्जैक्टली डोंट नो, बट उनकी पेंटिंग आज तक सर्वाइव कर रही है इन साइड द केव्स दैट वी हैव डिस्कवर्ड। चलिए देखते हैं द डिस्टेंट पास्ट। When there was no paper, जब कोई भी पेपर नहीं था, कोई भी लैंग्वेज नहीं थी, एंड और द रिटन वर्ड्स भी नहीं थे, कोई भी बुक नहीं थी लिखित में, इसको हम क्या बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना है ऐसे टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक, एंड वी ऑफन से प्री हिस्टोरिक टाइम, इसको हम प्री हिस्टोरिक टाइम भी बोलते हैं। एंड हाउ पीपल लिव्ड इन दोज टाइम्स वाज डिफिकल्ट टू समराइज अंटिल स्कॉलर बिगन टू डिस्कवर प्लेसेस ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड। जब तक इसको डिस्कवर नहीं किया था तो हमें कोई भी आइडिया नहीं था। एंड एक्सकेवेशन एट दीज प्लेसेस ब्रोट टू लाइट टोल्ड जो ओल्ड टूल्स थे, जैसे पोटरी, हैबिटेट, बोन्स, एंशियंट ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, उनके स्केलेटन मिले हैं, ड्रॉइंग ऑन केव वॉल्स। सो इनसे हमें एक आइडिया हुआ कि लोग पहले भी यहाँ पे सर्वाइव करते थे। इस टाइप की आपको पेंटिंग मिल गई, ये आपको हिरण को रिप्रेजेंट करता हमें भी। एंड यहाँ से जो क्वेश्चन है इनको आप मेन्स में बहुत अच्छे तरह से यूज कर सकते हो। जैसे ऐसी पेंटिंग आप मेन्स में बना सकते हो, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो डिस्क्राइब द पेंटिंग ऑफ एंशियंट आर्ट उसके हिसाब से। एंड बाय पीसिंग टुगेदर द इंफॉर्मेशन डिड्यूस्ड फ्रॉम दीज ऑब्जेक्ट एंड केव ड्राइविंग से स्कॉलर हैव कंस्ट्रक्टेड फेयरली एक्यूरेट नॉलेज अबाउट व्हाट हैपेंड एंड हाउ पीपल लिव्ड इन द प्री हिस्टोरिक टाइम पे। तो अपने लेवल पे हमने कोशिश की थी कि क्या इनसे हम कुछ अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे तीर मार रहा है तो मैं भी शिकारी हूँ, व्हाट वी आर गेसिंग दैट इज द पॉइंट ऑफ व्यू, विद द बेसिक नीड्स ऑफ फूड, वाटर, क्लोथिंग एंड शेल्टर, बिकॉज बिना वाटर के तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। एंड वर फुलफिल्ड पीपल फेल्ट द नीड ऑफ एक्सप्रेस देमसेल्फ एंड पेंटिंग एंड ड्रॉइंग वर द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट। तो याद रखना है सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट क्या है, दैट इज पेंटिंग, पेंटिंग एज वेल एज ड्रॉइंग। आप अपने कोई भी आंसर लिखते हो तो यहाँ से शुरू कर सकते हो कि पेंटिंग एंड ड्रॉइंग वर द ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म प्रैक्टिस बाय द ह्यूमन बींग्स टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए यूजिंग द केव वॉल्स, कहाँ पे बनाएंगे, वॉल्स के ऊपर ही बनाएंगे, एज देयर कैनवस। हाउ डिड प्री हिस्टोरिक पीरियड ड्रॉ देयर पिक्चर, कैसे वो लोग इनको बना रहे थे, दे मे हैव ड्रोन एंड पेंटेड टू मेक देयर शेल्टर मोर कलरफुल एंड ब्यूटीफुल रखने के लिए। क्या ऐसा उनका एम था कि हमारी जो केव है वो अच्छी दिखे, या फिर विजुअल रिकॉर्ड्स वो रखना चाहते थे वो डे टू डे लाइफ का, लाइक सम ऑफ हाउस हु मेंटेन ए डायरी, जैसे आजकल हम डायरी वगैरह मेंटेन करते हैं, तो क्या पता वो अपने डेली बेसिस पे वहां पे एक्टिविटी नोट करते हैं या फिर अपने टाइम पास के लिए वो चीज करते हैं। बट उस तो था द प्री हिस्टोरिक पीरियड इन अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग नोन एज ओल्ड स्टोन, या फिर इसको हम पैलियोलिथिक बोलते हैं। पैलियो मतलब ओल्ड एंड स्टोन मतलब लिथिक, मतलब स्टोन, ओल्ड स्टोन, पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो थी हैव बीन फाउंड इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा नहीं था कि सिर्फ इंडिया में मिली है, इंडोनेशिया में भी आपकी पेंटिंग्स मिली हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी मिली हैं। वी डू नॉट रियली नो
इफ लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, इसी पैलियोलिथिक में आपको अपर मिडल एंड लोअर के कौन से टाइम पीरियड में प्रोड्यूस की गई थी, बट बाय द अपर पैलियोलिथिक टाइम्स वी सी ए प्रोलिफरेशन ऑफ आर्टिस्टिक एक्टिविटीज। अपर पैलियोलिथिक में हमें थोड़ा ज्यादा मिला है। अराउंड द वर्ल्ड वॉल्स ऑफ मेनी केव्स ऑफ दिस टाइम आर फुल ऑफ फाइनली कार्व्ड एंड पेंटिंग पिक्चर ऑफ द एनिमल्स विच द केव्स डवेलर्स हंटेड। तो आप ये सोचते होंगे कि पेंटिंग क्यों करते थे, क्या आज नहीं करते, क्या एडवर्टाइजमेंट दीवारों के ऊपर नहीं कर रहे आज भी, बस ट्रेडिशन चेंज हो चुका है। द सब्जेक्ट ऑफ देयर ड्रॉइंग वर ह्यूमन फिगर था, ह्यूमन एक्टिविटीज थी बेसिकली, ज्योमेट्रिक डिजाइन थे, एनिमल सिंबल थे। सो ये आपको कीवर्ड्स हो जाते हैं मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट। द सब्जेक्ट ऑफ द ड्रॉइंग वाज बेसिकली ह्यूमन फिगर, ह्यूमन एक्टिविटीज, ज्योमेट्रिक डिजाइन एंड एनिमल सिंबल्स। एंड इन इंडिया अर्लीस्ट पेंटिंग हैव बीन रिकॉर्ड फ्रॉम अर्ली पैलियोलिथिक टाइम्स। ये आपको यहाँ सिचुएशन बन सकता है, क्या इंडिया में पैलियोलिथिक में कौन सी स्टेज में, अर्ली या फिर सॉरी अर्ली में आपका मिडल, लोअर और अपर, तो अपर में आपको सबसे पहले रिपोर्ट किया गया। ये क्वेश्चन यहाँ से इस पेज में दी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एंड ये पेंटिंग का थोड़ा बहुत आप बना सकते हो मेंस में इस टाइप से, एक मिनट बस इस टाइप की, एंड इनको एक साथ कंबाइन कर सकती हूँ इस टाइप का, ठीक है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ द रॉक पेंटिंग वॉज मेड इन इंडिया इन 1867 से 68 के बीच में, फर्स्ट टाइम बाय एन आर्कियोलॉजिस्ट जिसका नाम क्या था, आर्किबोल्ड करहिलेट, जो भी है, 12 इयर्स बिफोर द डिस्कवरी ऑफ अल्टामिरा इन स्पेन में जो ये डिस्कवरी की गई थी उससे 12 साल पहले। कोकबर्न जो कि एंडरसन मित्र एंड घोष वर द अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट थे हु डिस्कवर्ड ए लार्ज नंबर ऑफ साइट इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। So, अगर आपका इनके कंटेक्ट में भाई तो ये कौन थे बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट। हैव बीन फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ केव्स सिचुएटेड इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश सब एंड उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक एंड बिहार, इन स्टेट में आपको रॉक पेंटिंग मिली। कहां पे मिली है, ऑन द वॉल्स ऑफ केव, गुफाओं की दीवारों पे। एंड सम पेंटिंग हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम कुमाऊ हिल्स ऑफ उत्तराखंड ऑल्सो, ये भी याद रखना है। एंड रॉक शेल्टर ऑन द बैंक ऑफ रिवर सुयाल एट लाखुदियार जो कि आपका 20 किलोमीटर है अल्मोड़ा उत्तराखंड से। एंड बेयर चाइना रोड बियर दीज प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, लाखुदियार लिटरली मीन्स 1 लाख केव्स, तो लाखुदियार का मीन क्या है, 1 लाख केव्स। द पेंटिंग हैव बीन, या फिर द पेंटिंग्स हियर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। एक में आपको मेंस की पेंटिंग मिलेंगी, एनिमल्स की मिलेंगी एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न की मिलेंगी। कौन से कलर में, व्हाइट, ब्लैक एंड ओकरे कलर। सो ये आपको याद रखना है, ब्लैक एंड ओकरे। एंड ह्यूमन्स आर रिप्रेजेंटेड इन स्टिक लाइक फॉर्म, स्टिक लाइक फॉर्म में ऐसे ही जो हमने पहले एक पेंटिंग बनाई थी उसके हिसाब से ऐसा कुछ बना दिया। ए लॉन्ग स्नोटेड एनिमल्स, ए फॉक्स एंड मल्टीपल लेग लिजार्ड यहाँ पे बनाई गई थी आर द मेन एनिमल मोटिव्स। वेवी लाइंस एंड रेक्टेंगल फील्ड ज्योमेट्रिक डिजाइन एंड ग्रुप ऑफ डॉट्स कैन बी ऑल्सो सीन, ये भी यहाँ पे देखे गए हैं। एंड वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सीन क्या था डिपिक्टेड हियर इज ए हैंडलिंग डांसिंग ह्यूमन फिगर। ये पूछ सकता है ये कहाँ पे मिली थी, इन अवर प्री हिस्टोरिक रॉक्स, यू कैन सी ये डांस कर रहे हैं, ठीक है। एंड देर आर सम सुपर इम्पोजिशन ऑफ पेंटिंग, जैसे अर्लीस्ट आर ब्लैक, ओवर दीज आर रेड ओकरे पेंटिंग थी, एंड लास्ट फॉर ग्रुप कंप्राइज व्हाइट पेंटिंग फ्रॉम कश्मीर, कश्मीर से आपके 2 स्लैब्स विद इनग्रेविंग हैज बीन रिपोर्टेड। तो कश्मीर से भी आपकी 2 स्लैब मिली। ग्रेनाइट रॉक ऑफ कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश प्रोवाइडेड द सूटेबल कैनवासेज टू द नियोलिथिक मैन फॉर हिज पेंटिंग एंड द सेवरल सच साइट बट मोर फेमस अमंग द कुपगालू जो कि पिकली हाल एंड टेकालकोट, ये भी फेमस है। 3 टाइप्स ऑफ पेंटिंग हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम हियर, जिसमें पेंटिंग इन व्हाइट, पेंटिंग इन रेड ओकरे एंड ओवर ए व्हाइट बैकग्राउंड एंड पेंटिंग इन रेड ओकरे। एक तो व्हाइट में मिली है, देन रेड ओवर व्हाइट बैकग्राउंड, इस टाइप से बैकग्राउंड व्हाइट है ऊपर ये हैंड, पेंटिंग इन रेड ओकरे इस टाइप की, सिर्फ व्हाइट भी मिली है, इस सारे की सारी पेंटिंग हमें मिली। हैंड लिंक्ड इट डांसिंग फिगर एट लाखुदियार, तो लाखुदियार में जहाँ पे 1 लाख के उसका, इसका जो अगर
डेफिनेशन निकालें तो 1 लाख के इसको बनता है हैंड लिंकिंग। तो ये पूछ सकता है लाखुदियार में इसमें से कौन सी थी, दैट इज हैंड लिंक डांसिंग फिगर, एंड लाखुदियार उत्तराखंड में ही वेवी लाइंस में मिली होंगी ये भी। ये आपकी क्या है, केव एंड ट्रांस भीमबेटका, जो कि महाराष्ट्र में, आई एम सॉरी मध्य प्रदेश में, जस्ट श्री पोपटन की वजह से मध्य प्रदेश में है एंड ओल्डेस्ट साइट हमारी मानी जाती है फॉर द रॉक पेंटिंग। दीज पेंटिंग्स बिलोंग टू लेट हिस्टोरिकल पीरियड में इनको माना जाता है, अर्ली हिस्टोरिक में एंड नियोलिथिक पीरियड में। सब्जेक्ट क्या है इनका, वुल्स एलिफेंट संभार्स गैजल्स शिप गोट हॉर्सेस स्टाइल्ड एनिमल ट्राइडेंट बट रेयरली वेजिटेबल वेजिटल मोटिव बट द रिचेस्ट पेंटिंग आर रिपोर्टेड फ्रॉम विंध्या रेंज ऑफ मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा जो फाइनेस्ट बोल सकते हैं रिचेस्ट बोल सकते हैं ऑफ द कैमूरिन एक्सटेंशन ऑफ इन टू उत्तर प्रदेश एंड द हिल्स रेंजेस आर फुल ऑफ पैलियोलिथिक एंड मिजोलिथिक रिमेन्स यहाँ पे मिले। बट अगर सिर्फ एक ही आंसर करना हो तो पैलियोलिथिक आंसर जाए एंड दे आर फुल ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड प्लांट्स यहाँ पे थे फ्रूट स्ट्रीम्स एंड क्रीक्स एंड दस परफेक्ट प्लेस था स्टोन एज पीपल इन लोगों के लिए, यहाँ पे रह भी सकते हैं इजिली। अमोंग दीज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट स्पेकुलर रॉक शेल्टर लोकेटेड इन विंध्या हिल्स इज भीमबेटका। तो भीमबेटका कहाँ पे है, विंध्या हिल्स के पास एट भीमबेटका मध्य प्रदेश। बार बार याद रखना पड़ेगा, कंफ्यूज हो सकते हो, मैप पे भी आप बना सकते हो। भीमबेटका इज लोकेटेड 40 किलोमीटर साउथ ऑफ भोपाल इन एन एरिया ऑफ 10 स्क्वायर किलोमीटर हैविंग अबाउट 800 रॉक शेल्टर्स यहाँ पे हैं 500 ऑफ विच बियर पेंटिंग, 800 में से 500 में तो पेंटिंग ही है। तो ये आपको याद रखना है, इससे हम जान सकते हैं कि पेंटिंग का उन लोगों को बहुत ज्यादा शौक। आज अगर आप कहीं पे जाते हो तो देख सकते हो कि लोगों का क्या है, आपको नाम जरूर लिखे मिलेंगे। सो इट इज ह्यूमन नेचर की वो रुक नहीं सकता। द केव्स ऑफ भीमबेटका वर डिस्कवर्ड, कब डिस्कवर की गई थी, 1957 से 58 के बीच में बाई वीएस वाकनकर एंड लेटर ऑन मैनी मोर वर डिस्कवर्ड। देन वाकनकर स्पेंड सेवरल ईयर इन सर्वेइंग दीज इनएक्सेसिबल हिल्स एंड जंगल्स टू स्टडी दीज पेंटिंग्स। तो ये याद रखना है कहां पे मिली है एंड 800 में से 500 में तो ही 500 में पेंटिंग ही थी। द थीम्स ऑफ पेंटिंग फाउंड हियर आर ग्रेट वेराइटी यहाँ पे मिली है, जहाँ पे आपको रेंजिंग फ्रॉम मुंडेन इवेंट्स ऑफ डेली लाइफ के इवेंट यहाँ पे दिखाए गए हैं, टाइम टू टाइम सेक्रेड एंड रॉयल इमेज भी यहाँ पे शो की गई। जैसे ये एलिफेंट आप देख सकते हो, हॉर्सेज एलिफेंट हंटिंग डांसिंग एलिफेंट राइडर एनिमल फाइटिंग हनी कलेक्शन डेकोरेशन ऑफ बॉडीज एंड अदर हाउसहोल्ड सीन। तो इससे क्या पता चलता है कि ये वाले काम उस टाइम में एग्जिस्ट कर रहे थे, अदरवाइज उनके माइंड में पिक्चर कहां से आई, या फिर ये चीजें उस टाइम में एग्जिस्ट कर रही थी, उन्होंने देखी जरूर थी चीजें। रॉक आर्ट ऑफ भीमबेटका हैज बीन क्लासिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप ऑन बेसिस ऑफ स्टाइल टेक्निक एंड सुपर इम्पोजिशन। जैसे द ड्रॉइंग एंड पेंटिंग कैन बी कैटेगराइज इनटू 7 हिस्टोरिकल पीरियड, जिसमें पीरियड 1 में क्या आएगा, अपर पैलियोलिथिक, पीरियड 2 में मिजोलिथिक एंड पीरियड 3 में चालकोलिथिक। आफ्टर पीरियड 3 देयर आर 4 सक्सेसिव पीरियड्स बट वी विल कन्फाइन आवर सेल्फ हियर ओनली द फर्स्ट 3 पेज। आपको सिर्फ चालकोलिथिक तक ही जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपर पैलियोलिथिक में क्या कुछ था, द पेंटिंग ऑफ द अपर पैलियोलिथिक पेज आर लीनियर रिप्रेजेंटेशन। तो ये आपको याद रखना है, इन ग्रीन एंड डार्क रेड कलर में ह्यूज एनिमल्स फिगर बनाते थे सच एज बिसन एलिफेंट्स टाइगर राइनो बोर्स बिसाइड स्ट्राइक लाइक ह्यूमन फिगर्स भी। ए फ्यू आर वॉश पेंटिंग थी बट मोस्टली किसकी थी, फिल्ड विद द ज्योमेट्रिक पैटर्न एंड द ग्रीन पेंटिंग आर ऑफ डांसर एंड रेड ऑफ द हंटर्स। आप देख सकते हो घोड़े की इमेज बना रखी है। उसके बाद म्यूजोलिथिक पीरियड में लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग बिलोंग टू पीरियड सेकंड। ये आपको कीवर्ड याद रखना है, यूपीएससी का फ्रेम क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा म्यूजोलिथिक में मिली थी। यस दैट कवर द म्यूजोलिथिक पेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड द थीम्स आर मल्टीपल बट द पेंटिंग आर स्मॉलर इन साइज। मिजो में थोड़ी सी स्मॉल साइज की हो गई थी, उसमें आपने देखा था बड़े बड़े एलिफेंट को बना रहे थे, बड़े बड़े जानवर जितने भी थे सबको कवर कर रहे थे। हंटिंग सीन यहाँ पे सबसे ज्यादा दिखाई गए, सो वी कैन रिलेट कि मेसोलिथिक में थोड़े हंटिंग सीन ज्यादा थे या फिर हंटिंग ज्यादा कर रहे थे। हंटिंग सीन डिपिक्ट व्हाट, पीपल हंटिंग इन द ग्रुप्स आर्म्ड विद द बार्ब स्पीयर्स पॉइंटिंग स्टिक एरो बोस, ये सारी चीजें उन्होंने ली हुई थी। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे हंटिंग थोड़ी ज्यादा थी। इन सम पेंटिंग दीज प्रिमिटिव मैन
आर स्टोन विद द ट्रैप एंड स्नेयर प्रोबेबली टू कैच एनिमल्स. तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे जो सीन मिलेंगे वो एनिमल्स के पीछे भागते हुए मिलेंगे. द हंटर आर शोन वियरिंग सिंपल क्लॉथ एंड ऑर्नामेंट. ऐसा तो है नहीं कि सज धज के हंटिंग करने जाएगा. सम टाइम मैन हैव बीन अडॉर्न्ड विद द एलाबोरेट हेड ड्रेसेज एंड सम टाइम पेंटेड विद मास्क ऑल्सो. इनके भी अपने अपने पर्पज थे. हेड ड्रेस टू कवर देयर हेड एंड पेंटिंग विद द मास्क दैट इज कुछ भी हो सकता है उसके कंटेक्स्ट में. कोई बदबू वाला एरिया कुछ भी. एलिफेंट बिसन टाइगर बोर डियर एंटीलोप हिरण वगैरह लियोपार्ड पैंथर राइनोसोर फिश लिजार्ड स्पियर इन सब को डिपिक्ट किया गया. इन सब की पेंटिंग थी. एक ओवरऑल आइडिया रखना कि ये सारे एनिमल्स थे. द मिजोलिथिक आर्टिस्ट लव टू पेंट एलिमल्स. एनिमल्स को पेंट करना उनको पसंद था एंड इन सम पिक्चर्स एनिमल्स आर चेजिंग मैन इन अदर्स बींग चेज्ड एंड हंटेड बाय मैन. सम ऑफ द एनिमल पेंटिंग स्पेशली हंटिंग सीन सो ए फियर ऑफ एनिमल बट मेनी अदर्स शो ए फीलिंग ऑफ टेंडरनेस एंड लव फॉर देम. मतलब गले लगाए हुए भी मिल सकती है. देर आर ऑल्सो ए फ्यू एनग्रेविंग रिप्रेजेंटेशन मेनी एनिमल्स मेनली एनिमल्स की. एंड दो एनिमल्स आर पेंटेड इन नेचुरलिस्टिक स्टाइल ह्यूमंस वर डिपिक्टेड ओनली इन स्टाइलिस्टिक मैनर. वुमेन आर पेंटेड बोथ इन द न्यूड एंड क्लोथ. वुमेन की भी पेंटिंग बनाई गई है. यंग एंड ओल्ड इक्वली फाइंड प्लेस इन दीज पेंटिंग. चिल्ड्रन आर पेंटेड रनिंग जंपिंग प्लेइंग इन टाइप की बनाई गई है. कम्युनिटी डांसेस प्रोवाइड ए कॉमन थीम एंड देर आर पेंटिंग ऑफ पीपल गैदरिंग फ्रूट्स और हनी फ्रॉम द ट्रीज एंड ऑफ द वुमेन ग्राइंडिंग एंड प्रिपेयरिंग फूड एंड सम ऑफ द पिक्चर ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन सीम टू डिपिक्ट सॉर्ट ऑफ फैमिली लाइफ ये लोग दिखा रहे थे. इन मैनी ऑफ द रॉक शेल्टर वी फाइंड हैंड प्रिंट फिस्ट प्रिंट एंड डॉट मेड बाई द फिंगर टिप्स. देन आर्टिस्ट ऑफ अंबेडकर यूज्ड मेनी कलर्स जिसमें शेड्स ऑफ व्हाइट आपको मिलेगा येलो मिलेगा ऑरेंज रेड ओकरी पर्पल ब्राउन ग्रीन एंड ब्लैक. यहाँ पे ब्लू को अगर हटाते हैं तो ऑलमोस्ट सारे ही हैं जो हम जनरली यूज करते हैं बट व्हाइट एंड रेड वर फेवरेट वन. तो ये याद रखना है अंबेडकर का या फिर जो ये अपर पैलियोलिथिक थे या फिर मिजो. अभी हम मिजोलिथिक देख रहे हैं. ओके मिजोलिथिक पीरियड में व्हाइट थोड़ा सा ज्यादा था. जैसे हम हड़प्पा में देखते हैं वहां पे ब्लैक आपका फेवरेट है. द पेंट आर मेड ऑफ ग्राइंडिंग वेरियस रॉक एंड मिनरल. ऐसा था नहीं कि रेडीमेड आपको एशियन पेंट मिलेगा. रॉक एंड मिनरल्स को भी पेंट की तरह यूज किया जाता है. दे गोट रेड फ्रॉम हेमेटाइट जिसको क्या बोलते हैं गेरू. तो गेरू वर्ड आ सकता है कि गेरू इन एंशियंट टाइम रेफर टू वॉट हेमेटाइट एंड यूज इन वेयर की रॉक शेल्टर. द ग्रीन कैम फ्रॉम ग्रीन वेराइटी ऑफ स्टोन जिसको क्या बोलते हैं कैलकेडोनी. तो कैलकेडोनी क्या है एक स्टोन जिसका कलर कैसा व्हाइट. व्हाइट कहां से आ सकता है मे बी आउट ऑफ लाइम स्टोन चूना पत्थर से आता हो. पेंटिंग शोइंग ए मैन बींग हंटेड ए बीस्ट बिंबेट का. कोई आदमी बींग हंटेड बाई बीस्ट. ओके बीस्ट रिस्पॉन्ड कर रहा है. द रॉक ऑफ मिनरल्स वॉज फर्स्ट ग्राउंड इन इनटू ए पाउडर. दिस मे हैव बीन मिक्स्ड विद ए वाटर. वाटर के साथ इस पाउडर को मिला सकते हैं एंड विद सम थिक और स्टिकी सब्सटेंस सच एज एनिमल फैट गम रेजिन्स फ्रॉम द ट्री ये आप मिला सकते हो. उसके बाद ब्रशेज वर मेड अप ऑफ प्लांट फाइबर. प्लांट के फाइबर के हम ब्रशेज बनाएंगे. व्हाट इज अमेजिंग इज दैट दीज कलर्स हैव सर्वाइव थाउजेंड ऑफ इयर्स टू एडवर्स वेदर कंडीशन. बट क्या कारण था कि ये आज तक भी सर्वाइव करें. इट इज बिलीव दैट ऐसा माना जाता है that the colors have remained intact because of chemical reaction of the oxide present on the surface of rock. कि oxide की जो chemical reaction है उसकी वजह से आज तक survive कर रहे हैं. Okay. The artist here made for their painting, made their painting on walls and selling of the rock shelter. Some of the painting were reported from the shelter जहाँ पे लोग रह रहे थे, but some were made in place. This do not seem to have been living place. ऐसी जगह भी मिली है जहाँ पे ये शो हो रहा कि वहाँ कोई नहीं रहता था. Perhaps these places had some religious importance. क्या पता वहाँ पे कोई religious ये activity करते हों. Some of most beautiful painting are very high on rock shelters or close to the ceiling of rock shelter. And one may wonder why human beings choose to paint a rock. तो यार और किस पे करेंगे painting in such uncomfortable position? We don't know the climate exactly. तो क्या बताइए किस टाइम में की गई है. हाउ वी कैन से अनकंफर्टेबल पोजिशन.
The painting made at these places were perhaps for people to be able notice them from a distance. क्या था ऐसा इसलिए बनाई गई कि कोई दूर से आए तो उनको नोटिस कर सके. The painting through the remote past do not lack pictorial quality despite various limitations such as acute working conditions, inadequate tools, materials वगैरह. क्वालिटी में तो कमी नहीं थी बट मटेरियल वगैरह हम बोल सकते हैं. देयर इज ए सम ऑफ सिंपल रेंडरिंग ऑफ सीन्स ऑफ एनवायरनमेंट इन विच आर्टिस्ट लिव्ड. द मैन शोन इन देम अपीयर एडवेंचरियस दिखाया गया है एंड रिजॉइसिंग देयर लाइव्स. द एनिमल्स आर शोन मोर यूथफुल एंड मैजेस्टिक देन परहैप्स दे एक्चुअली वर. प्रिमिटिव आर्टिस्ट सेम टू पोसेस एन इंट्रिंसिक पैशन फॉर स्टोरी टेलिंग एंड दिस पिक्चर डिपिक्ट इन ड्रामेटिक वे बोथ मैन एंड एनिमल्स इंगेज इन द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल. तो इसमें एक चीज दिखाई गई कि सर्वाइवल के लिए दोनों ही लड़ रहे हैं आपस में. इन वन सीन ए ग्रुप ऑफ पीपल हैव बीन शोन हंटिंग ए बिसो. इसको हंट कर रहे हैं. इन द प्रोसेस सम इंजर्ड मैन आर डिपिक्टेड लाइंग स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड. ऐसा तो है नहीं कि वो अपने डिफेंस में कुछ नहीं करेगा तो आपको टक्कर भी मारेगा. इन अदर सीन एन एनिमल इज शोन इन द एगोनी ऑफ डेथ एंड मैन वर डिपिक्टिंग डांसिंग. दिस काइंड ऑफ पेंटिंग माइट हैव बीन सीन sense of power over the animals we would meet in. Then this practice is common among primitive peoples of today. They engrave or paint on the rock as a part of rituals they perform at birth, at death, coming age, time of marriage. They dance, mask during hunting. ये सब हम exactly नहीं बोल सकते. क्या पता उन्होंने अपने किसी ritual पे किया हो. यहाँ पे देख सकते हो hunting scene. ये लोग मार रहे हैं. Hunting scenes predominant in Mesolithic painting. तो ये आपको लाइन याद रखनी. Mesolithic period में hunting scene ज़्यादा दिखाई दे. This is one such scene where a group of people are showing hunting a bison. And some injured men are depicted lying scattered on the ground. And these paintings show mastery in the skill of drawing these forms. यहाँ पे dancing दिखाई गई. ऐसी painting आज भी करते हैं लोग. जो आपके ट्राइबल पीपल है वो क्या पता आज भी करते हैं. वी कैन नॉट से एग्जैक्टली. इन दिस पिक्चर हैंड लिंक्ड फिगर डांसिंग मेड. इनफैक्ट दिस इज ए रिकरेंट थीम. इट आल्सो कॉल रिकॉल्स द डांसिंग सीन फ्रॉम लखुदयार रॉक से आपको मिली है. पेंटिंग फाउंड इन उत्तराखंड से आपको ये मिली. देन द पेंटिंग ऑफ इंडिविजुअल एनिमल्स सो व्हाट द मास्टरी ऑफ स्किल ऑफ द प्रिमिटिव आर्टिस्ट इन ड्रॉइंग दिस फॉर्म बोथ प्रोपोर्शन and tonal effect have been realistic maintained in them. And it is interesting to note that the many rock art sites have new painting is painted on a top of an older painting. At Bhimbetka in some place there are many of 20 layer of painting aapko mili hai and one of top of another. Why did the artist in the same place again and again? Maybe this because artist did not like his creation. तो ऐसा भी हो सकता है कि उसको एक पसंद नहीं आई एंड वो ऊपर दूसरी बनाया ऐसी ही मैं दूसरी. ऐसा भी हो सकता है. एंड पेंटेड अनदर पेंटिंग एंड प्रीवियस वन. सम ऑफ दिस पेंटिंग प्लेस वर कंसीडर्ड सेक्रेट एंड स्पेशल बिकॉज एरियाज में हैव बीन यूज्ड बाय डिफरेंट जनरेशन ऑफ डिफरेंट पीपल एट डिफरेंट टाइम. एंड द प्री हिस्टोरिक पेंटिंग हेल्प अस हमको मदद करेंगे टू अंडरस्टैंड अबाउट द अर्ली ह्यूमन बींग्स. उनके लाइफस्टाइल के बारे में, फूड हैबिट्स के बारे में, डेली एक्टिविटी एंड अबव ऑल. They help us understand their minds and the way they thought. Prehistoric period remains was a great witness to the evolution of human civilization and through the numerous rock work, tools, ceramics and bones. And more than anything else, the rock painting are the greatest wealth the primitive human being of the time they left behind. So, यहाँ पे क्या हुआ है? Maps of Indus Valley sites. Indus Valley की site आप देख सकते हो. मांडा जम्मू कश्मीर की ददेरी भगवानपुरा कुरुक्षेत्र का बनावली बनवाली फतेहाबाद कालीबंगा राजस्थान की सिसवाल राजस्थान बालू कैथल हरियाणा उल्लास आलमगीरपुर यूपी में दिल्ली मोहनजोदारो फोर्टी जी चाहुंदारो आपकी इंडिया के कंटेक्ट में सुरकात दो गुजरात रंगपुर लोथल रोजदी और बारगा दैमाबाद ये सारे याद रखने. ये आपकी कौन सी है? सोक्ता तो
मोहनजोदाड़ो एंड करत्ती हो गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन, हाउ डिड द पीपल ऑफ प्री हिस्टोरिक टाइम सिलेक्ट थीम ऑफ देयर पेंटिंग? सो कौन कौन से हमने देखी, बेसिकली हंटिंग, बेसिकली हाउ डिड द पीपल ऑफ प्री हिस्टोरिक सिलेक्ट द थीम, कैसे वो सिलेक्ट करते थे, उनके माइंड में कुछ भी आइडिया आ सकता है कि किसी जानवर की हमें इमेज याद रखनी। सो लेट्स कम टू अर्लियर वन, अगर यहाँ पे एग्जैक्टली बताया गया। विजुअल रिकॉर्ड रखने के लिए मेंटेन, जैसे आज हम एक डायरी रखते हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको देख सकते हो। स्विंग क्वेश्चंस पे अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, आपको आंसर मिल जाएगा एंड इन क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हो फॉर योर आंसर राइटिंग के लिए। मन करे तो देख लेना, 40 to 50 वर्ड्स में लिख सकते हो। सो दैट्स इट, वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।